हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ तेलगुरु। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि तेलगुरु की रेसिपी शेयर की जाए, तो मुझे लगा तेलगुरु ना बहुत जगह मिलता नहीं है, कि स्पेशली जम्मू के कांदरों का तेलगुरु जो होता है बहुत फेमस होता है। तेलगुरु बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजिली हम इसको घर पर बना सकते हैं। आज मैं बनाऊंगी तेलगुरु बहुत ही आसानी से। थोड़े से स्टेप्स हैं, अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक तेलगुरु कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बना है ये। ये रहा तेलगुरु, नाइफ लेंगे हम और इसको हम कट करेंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट में ऐसे ही खाते हैं, अंदर से परफेक्टली बेक हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको दिखाती हूँ खाने का तरीका, हम कश्मीरी लोग इसको कैसे खाते हैं। बटर लूँगी और बटर रूम टेम्परेचर वाला इसके अंदर लगाएंगे, जितना आपको सूट करता है उस हिसाब से। और ये हो गया हमारा तेलगुरु खाने के लिए एकदम रेडी। चलिए इसको बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यूज कर रही हूँ 2 कप मैदा, साथ ही हम यूज करेंगे इंस्टेंट यीस्ट, इसको हम खमीर भी बोलते हैं। एक बात यहाँ ध्यान की है कि मैं यहाँ इंस्टेंट यीस्ट यूज कर रही हूँ, तो इसको एक्टिवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राई यीस्ट यूज कर रहे हैं तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँ। 1/2 चम्मच चीनी, मैं यहाँ ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ, आप रेगुलर वाला यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 बड़ा चम्मच के करीब सूखा हुआ मिल्क पाउडर यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, ब्लैक एंड व्हाइट सेसमे सीड्स, ये तो गार्निश करने के लिए है, आप एक ही कलर के यूज कर सकते हैं, मेरे पास दोनों थे तो इसलिए मैं दोनों यूज कर रही हूँ। 1/2 ग्लास मिल्क आटा गूंदने के लिए, मिक्सिंग बोल लूंगी और हम इसमें अपना मैदा छान लेंगे। जब भी हम कोई रेसिपी बेक करते हैं ना, तो उसमें छानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे रेसिपी का टेक्सचर जो एंड में हमारे तेलगुरु बनेंगे ना उनका काफ़ी अच्छा आएगा, तो छानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस आटे में मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच यीस्ट, 1/2 नमक टेस्ट के हिसाब से, चीनी थोड़ी सी बिल्कुल। अब इन सबको कर देंगे अच्छे से एक बार मिक्स। हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ऑयल, इसको वापस से मिक्स करेंगे अच्छे से। ऑयल है वो 1 टेबलस्पून डालना है, तो अभी मैंने सिर्फ 1 स्पून डाला है, अभी थोड़ा और ऑयल ऐड करेंगे। वापस से मिक्स करेंगे। अब जो ड्राई यीस्ट है उसमें फर्क ये होता है कि उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए ऐसे ही हमें 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जितना भी हम यूज कर रहे हैं थोड़े से पानी में रूम टेम्परेचर, और उसके साथ उसमें शुगर डालना है और 5 मिनट के लिए रख देना है, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और वापस से वो हम अपने आटे में डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी है आप उस यीस्ट को यूज कर सकते हो। अब इस आटे को मैं रूम टेम्परेचर वाले दूध से हल्का हल्का गूंदना शुरू करूंगी। धीरे धीरे दूध डालेंगे हम। ये वाला आटा ना थोड़ा सा यीस्ट की वजह से स्टिकी हो जाता है, बहुत स्टिकी नहीं हो जाता है। जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत स्टिकी हो रहा है, आप थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान है। बस हाँ, कोई भी आटा बनाने के लिए जिसमें हम तेलगुर या कतलम या ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आटा हमें बहुत अच्छे से गूंदना है, अच्छी मेहनत करनी है ताकि आटा हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डाल रही हूँ ताकि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए, क्योंकि स्टिकी हो जाएगा तो डो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, लेकिन अभी भी हमें स्टॉप नहीं करना है। वापस से मैं इसको 10 मिनट तक गूंदूंगी बहुत अच्छे से। डो पूरा रेडी है, आप देख सकते हैं कि कितना फाइन हो गया है, तो जितना अच्छा आप नीट करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसको लेड लगा के कवर कर दूंगी, ठंडी जगह पे रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए, ताकि हमारा डो अच्छे से राइज हो जाए। आप इसको माइक्रोवेव, ओवन, कहीं पे भी जहाँ धूप नहीं पड़ रही वहां रख सकते हैं 1 घंटे के लिए।
अराउंड 1.5 आवर हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। वाओ, हमारा डो तो काफी अच्छा राइज हुआ है। अब इस स्टेज में मैं इसको इसमें से निकालूंगी। देखिए कितना ज्यादा अच्छे से राइज हुआ है, इसको ऐसे निकालेंगे और वापस से ना इसको थोड़ा सा और घूमेंगे। हमारा डो एकदम रेडी है। अब मैं इसको 2 हाफ्स में कट करूंगी और फिर इसको ना लोई बना लेंगे हम, ताकि हमें इक्वल पोर्शंस मिले। मैं फिर से नाइफ की मदद से इक्वल बॉल्स जो है वो कट करूंगी। आप हाथ से भी कर सकते हैं, बस मैं इसलिए कर रही हूँ कि सारे तेलबोरु जो है वो सेम साइज के बने, दूसरे के साथ भी सेम। यहाँ पे मैंने एक प्लेट रेडी कर दी है, इसमें मैंने नीचे पूरा ऑयल लगाया है, ऊपर से थोड़ा ना आटा इसे डस्ट कर लिया है, ताकि जो हम तेलबोर बनाए वो इससे चिपके नहीं। अब हमें क्या करना है, एक डो बॉल लेना है, इसको हाथों में ऐसे गोल 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 करना है, अपने हाथों में ही ना इसको ऐसे गोल गोल करेंगे हम ऐसे, और फिर सेंटर में अपनी किसी भी फिंगर से हम होल बनाएंगे एक, और हर साइड को थोड़ा थोड़ा फ्लैट कर देंगे, और ऐसे बना के मैं इसको एक एक करके यहाँ पे रखती जाऊंगी, और बाकी सारे डो बॉल्स के साथ हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर आपको लगेगा ना कि आपका गोल नहीं बन रहा है, तो थोड़ा आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस एक सर्कल बनाना है, या तो ऐसे, ये तो बहुत आसान है। ये हमारा गोल बन गया। उसके बाद सेम किसी भी फिंगर से हम एक होल बना देंगे, और फिर ऊपर से इसको फ्लैट कर देंगे। सारे तेलबोर को मैंने शेप कर दिया है। अब मैंने क्या किया ना, एक गीला कपड़ा लेके साफ साफ इसको हम ऐसे कवर कर देंगे, और इसको वापस से हम रेस्ट देंगे मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट्स का, और ये वापस से थोड़ा राइज होगा, उसके बाद ये जाएगा अवन में। पहले थोड़ा सा हम इसको सजा देंगे, उसके बाद अवन में डाल देंगे। 20 मिनट्स हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। वाओ, ये कितने अच्छे से वापस से राइज हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 चम्मच दूध में मैं मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लूंगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है ना, तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, या केवल अकेला दूध यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है ऊपर वाली साइड का। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग भी लगा सकते हैं। थोड़ा पाउडर जो है वो अच्छे से इसमें मिल गया है, ये एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तेलबोर पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे, ब्रश से हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। इतनी मेहनत की है तो क्रस्ट भी तो सुंदर सा बनना चाहिए ना, एकदम ऊपर वाला। और हाँ, मैंने अवन जो है वो 20 मिनट से ही पहले से ही प्री हीट पे लगा दिया था, ताकि मेरा अवन जो है एकदम गर्मा गर्म मिले मुझे। और अब मैं इस पे लगा दूंगी ये जो मिल्क रेडी किया है इसका ब्रश। अच्छे से लग गया है। अब इसमें डालेंगे हम तिल। तिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तेलबोरु में। दो तेलबोरु पे ना मैं ब्लैक तिल डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। और एक को दोनों तरह के। अब ये हमारे एकदम रेडी है, मेरी अवन प्लेट भी एकदम रेडी है। अब मैं इसको अवन प्लेट पे प्लेस करती हूँ। बहुत ही आराम से उठाना है इसको, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से राइज हुआ है। धीरे धीरे से हम इधर रखेंगे। और अब जाएगा ये अवन में, जो कि हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट पे, और 10 मिनट के बाद मैं इसका टेम्परेचर 300 कर दूंगी, और टोटल इसको हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। सारे तेल भरो लगभग 30 मिनट में बेक होके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब मैं इनको काफी अच्छे से ठंडा करूंगी और फिर इसको सर्व करूंगी।
सारे तिलवर बनके रेडी हो गए हैं। मैंने इनको सर्विंग ट्रे में डाल दिया है। बहुत ही ज्यादा अच्छे बेक हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से परफेक्टली बेक हुए हैं हमारे तिलवर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।